आजादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी वीरता की अनसुनी कहानियाँ और अनसुने वीर नायकों की कथा को उजागर करना और उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना है। ये शौर्य गाथा देश में सदियों से घुले मिले कई जनजातियों में से प्रमुख भील जनजाति और उनके बीच स्वराज का बीज बोने वाले और उन्हें नई पहचान दिलाने वाले महानायक गोविंद गुरु की है। ये कहानी मानगढ़ की पहाड़ी पर हुए उस नरसंहार की है जिसमें हजारों निर्दोष भील आदिवासियों ने भारत माता के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। गुजरात की सीमा में मानगढ़ पहाड़ी पर स्मृति वन बना है जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आज भूमि पर गोविंद गुरु ने प्रेरणा दी निशस्त्र समाज सुधार तरीके काम कर रहा है भगत और समूह संप सभाना लोगो और संप सभाना लोगो समाज सुधार काम करे अंग्रेज सल्तनत साने पुता आवाज उठावे अरे गोविंद गुरु भी अंग्रेज सल्तनत पकड़ी। गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 को राजस्थान के डूंगरपुर के बंसिया गांव में हुआ था। उनके नेतृत्व में भीलों का भगत आंदोलन शुरू हुआ था। जब गोविंद गुरु केवल 20 वर्ष के थे उसी समय उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों से प्रेरणा ली और 1883 में संप सभा की स्थापना की और इसका आयोजन और प्रसार करना शुरू किया। संप सभा का उद्देश्य भीलों को अंग्रेजों से निडर होकर लड़ने के लिए जागृत करना, गांव-गांव में शिक्षा के लिए पाठशाला का निर्माण करना, बच्चों में संस्कृति की समझ को प्रोत्साहित करना, बड़ों को सनातन धर्म के अनुसरण की प्रेरणा देना, सिर्फ स्वदेशी वस्तु के उपयोग पर जोर देना और शराब और मांस के सेवन को बंद करना था। महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई में संप सभा के आदर्शों से भी प्रेरणा ली गई। गोविंद गुरु ने भीलों के बीच सामाजिक सुधारों की अलख तो जलाई ही, साथ ही स्वराज के बीज भी उनके अंदर बोए। इस बीच अंग्रेजों को यह खबर लगी कि गोविंद गुरु अपने अनुयायियों के साथ भारी संख्या में एक सभा में एकत्रित होने वाले हैं और इस सभा में भील ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं। तारीख 17 नवंबर और साल 1913। उस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी। मानगढ़ पहाड़ी पर वार्षिक मेला आयोजित किया जाना था। भील बड़ी संख्या में मानगढ़ और अन्य जगहों पर इकट्ठा होने लगे थे। उस बढ़ती भीड़ ने ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद उड़ा दी। पुलिस ने कर्नल शटर के नेतृत्व में निर्दोष भीलों को घेर कर उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। ये भयावह त्रासदी 2 घंटे तक चली और 1500 से अधिक भीलों के लहू से ये पहाड़ी रंग गई। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें फांसी की सजा हुई जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। गोविंद गुरु जी ने जेल से रिहा होने के बाद अपना शेष जीवन भील सेवा सदन के माध्यम से लोगों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने भुरेठिया और गीतों के माध्यम से भीलों को जागरूक किया। जब पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी लड़ाई में अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा था, उस समय गोविंद गुरु अज्ञानता और अशिक्षा के जाल में फंसे आदिवासियों को जगा रहे थे और जला रहे थे उनके अंदर देशभक्ति की मशाल। ऐसे वीर को शत शत नमन।